श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये चार लोग हमें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अगर आप इन चार लोगों की संगति में हैं तो शायद आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा, शायद आपके अच्छे ग्रह भी आपको नहीं बचा पाएंगे, और आपके साथ जो जो परेशानी शायद आप झेलेंगे उसके बारे में आप शायद आकलन भी नहीं कर पाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ चेतावनी के साथ साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कैसे लोगों से हमें दूर हो जाना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान है, एक सच्चे इंसान है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी अन्य की गलती किसी निर्दोष को भुगतना पड़े। और अक्सर अभी इस युग में ऐसा ही हो रहा है कि हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं, हमारा कोई मतलब होता ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चार लोग कौन है, इनको आइडेंटिफाई कर लो। अगर ये आपके बीच में है तो इनसे दूरी अभी बना लो, क्योंकि यही अवसर है एक बार हमें चीज़ों को समझने की। तो वीडियो को शुरू करूँ, बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहली और मुख्य बात है कि जब भी कोई व्यक्ति के साथ कुछ भी तकलीफ या परेशानी होती है तो जो चुगली करने वाले लोग हैं, जो आपके साथ अगर 15 मिनट रहेंगे, 20 मिनट रहेंगे, 1 घंटे रहेंगे, वो केवल और केवल निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, इसके बारे में ये बात बताएंगे, उसके बारे में ये बात बताएंगे। ऐसे लोग जो आपके सामने किसी की चुगली कर रहे हैं, ये लोग ज़रूर दोस्तों आपकी चुगली भी अन्य लोगों के सामने करते ही हैं, डेफिनेटली करते हैं। और बस शुरुआत यहीं से विवादों की हो जाती है और यहीं से बेफिजूल के विवादों को जन्म दे देते हैं। ना हमारा कुछ लेना है, ना कुछ देना है। वो अपनी ओर से बातें जोड़ देते हैं और उनका कुछ नहीं होना है। वो तो ये बात कह देंगे, हमने तो ये बात कही नहीं है। और इस बीच में दो लोगों के बीच, एक अच्छी मित्रता, एक अच्छे संबंधों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। कई बार अच्छे व्यापार में, कई बार अच्छे संबंधों में तकलीफ़ें आ जाती। तो ऐसे लोगों को पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ऐसे लोग कौन है। इसका आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि जो आपके सामने 10 मिनट है लेकिन वो किसी की बुराई कर रहा है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। जितना हो सके दूरी बना कर रखना है हमें। दूसरे, वो लोग जो आपको कर्ज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लालच देकर कर्ज के लिए, लालच देना और कर्ज के लिए प्रोत्साहित करना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लालच दे देते हैं। देखिए, रिस्क एक अलग विषय है, रिस्क और लालच दोनों में तकलीफ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब रिस्क लें लेकिन लालच से दूरी बना कर रखें दोस्तों, क्योंकि लालच से हम एक कर्ज ले लेते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, लोग हमें इस प्रकार से ठग लेते हैं। तो ऐसे लोग जो भी हमें इस तरह का कर्ज पूर्ण लालच देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें और दूर रहें, क्योंकि इनको अपना स्वार्थ साधना है, आपसे वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। तीसरे, वो लोग जो नशा करते हैं, नशा इस जीवन का नाश है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, क्योंकि वो जिस व्यक्ति को अपने शरीर की चिंताएँ नहीं है वो अन्य की क्या चिंता करेगा। तो नशा छोड़ें, नशे करने वाले लोगों से दूरी रखें। और चौथे, वो लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं है दोस्तों, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, वहाँ ना बरकत रहती है। और ऐसे लोग चाहे लाख अच्छे ग्रह हों लेकिन वो कभी भी इनको पॉजिटिव फल नहीं देते हैं, उनके साथ पीड़ा है और पीड़ा ही होती है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।